तो हाय दोस्तों, मेरा नाम लोकेश, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड 3.0। दोस्तों, ये कार्ड के बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बताया था, हो सकता है वीडियो ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये पहले आ जाएंगे वीडियो दूसरे आएंगे। दोस्तों, ये कार्ड है, कार्ड 100% ओके मैंने करके दिखाया था, इसको लगभग तीन आधा घंटा के आसपास वीडियो बना था। और दोस्तों, जिस भाई को डेढ़ सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग करना, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मिल जाए, वहाँ से मैं मैसेज और कॉन्टैक्ट करके अपना डेढ़ सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग करवा सकते। दोस्तों, इसमें दिक्कत यह रहा है, इसमें जैसे हमने NK का सॉफ्टवेयर करके रखा, एमी सीरीज का, ठीक है, एमी सीरीज का मैंने इसमें सॉफ्टवेयर किया है। जब मेरा ऑन करता हूँ तो टीवी स्क्रीन में सब आता है, रिमोट सब 100% सब वर्किंग कर रहा है, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारा रेड लाइट भी आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हो रेड लाइट, हमारा टीवी स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। बाकी दिक्कत ये आ रहा है, इसका जो फ्रंट पे यहाँ पर नंबर लिखा था वो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसको आप कैसे सेट कर सकते हो आपको मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसान है दोस्तों, घर बैठे ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको ये हिस्ट्री है इसको ओपन करना है, जो हिस्टिंग लगे इसको निकालना है। अब हल्की गर्म करके भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, तो मेरा सलाह मानो हल्की गर्म करके निकालो, क्योंकि इससे अच्छी से निकलता है, क्योंकि ठीक ये मैंने निकाल दिया, हिस्टिंग पहले निकालना है। और अब बताता हूँ, वीडियो में बने रहो, आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखो, ये आपका जो ये मॉडल देख सकते हो, MB7701L, इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत भाई मैसेज करते हैं कि सर मेरा एक कार्ड है, बाकी इसमें एमी सीरीज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं जिस कार्ड के लिए बनाता हूँ उसी कार्ड में आप यूज किया करो, अदर कार्ड में मत यूज किया करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक देखो बड़ा सा एक कंपोनेंट नज़र आ रहा है, इसके बगल में एक छोटा कंपोनेंट नज़र आ रहा है, देखो ये छोटा, ये छोटा कंपोनेंट को आप बाहर निकाल लेना है। ये देखो मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक निकल चुका है, बाहर निकल चुका है, आपके सामने देख सकते हो कंपोनेंट। और आपको एक ऐसी पतली सी वायर लेना है, ये देख सकते हो पतली सी वायर, बिल्कुल पतली, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे आपको मार्केट में जाओगे तो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो मेन आईसी दिख रहा है, मेन आईसी, ठीक है मेन आईसी, तो इस साइड से आपको गिनती लगाना, दो नंबर पे आपको लगाना है जम्पर। ठीक है, इस साइड से आपको गिनती मारना है, दो नंबर पे लगाना, ओनली दो, इधर उधर नहीं करना है, आपको बारीक साल्डर के यूज कर लेना, आपको दो नंबर पे जम्पर लगाना है दोस्तों, इसी साइड से रन करना है, इस साइड से, तो इस साइड से स्टार्ट करना, एक दो तीन, तो दो नंबर पे आपको लगाना है। और दो नंबर तो दोस्तों आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर नहीं है दो नंबर, ठीक है, दो नंबर पे ही लगाना है, मतलब टू नंबर। ठीक है, ये मैंने पतली वाली लिया और ये मैंने मार दी दो नंबर पे जम्पर। दोस्तों, आपको हिसाब से दो ही नंबर पे लगाना है ना, मतलब टू नंबर पे, इधर उधर नहीं करना है, दो नंबर पे ही आपको जम्पर लगाना है। बहुत भाई ऐसे करते, इधर उधर कर देते हैं तो सट जाते, ऐसे सटना भी नहीं चाहिए ना, अलग अलग ही रहना चाहिए। ठीक, ये दो नंबर में बिल्कुल फाइन की तरह लगा है, आपको पता ही नहीं चला, ऐसे मैंने इसको दो नंबर पे जम्पर लगाया। और शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए दोस्तों, शॉर्टिंग आपको 100% देख लेना है ना, शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए, शॉर्टिंग रहेगा तो आपका काम नहीं करेंगे, इसको आपको सही से देख लेना है। शॉर्टिंग थोड़े, क्योंकि शॉर्टिंग रहेंगे तो काम नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से जो मेरा सीरा जो एक नंबर पे शॉर्ट हो गया, ऐसे लग रहा है देखने से, हाँ एक नंबर पे शॉर्ट हो चुका है, मैंने शॉर्ट किलर के इस्तेमाल किया, मतलब पेस्ट का जो शॉर्टिंग हटाने वाला था। मैंने शॉर्टिंग हटाने वाला पेस्ट इस्तेमाल किया और ये शॉर्टिंग हट चुका है, ये अब हो गया बिल्कुल अधर, मतलब शॉर्टिंग हटाने वाला पेस्ट का मैंने इस्तेमाल किया और हट गया, हट चुका है, ये रिमूव हो चुका है। यहाँ से मैं इसको
कट कर लेता हूँ, वायर बहुत मजबूत है दोस्तों ये, ठीक ये सेट ला सकते हैं। ये मैंने लगा दिया और इसका अपोजिट साइड आपको जम्फर लगाना दोस्तों इस पर, ठीक है देख सकते हो ये कंपोनेंट्स के जस्ट जो कंपोनेंट्स निकाले इसके अपोजिट साइड इस पर आपको जम्फर लगाना है, उस पर न लगाना, इस पर आपको जम्फर लगा देना है। तो देखो मैंने लगा दिया जम्फर, ये देखो कि जम्फर सटे ना, एक में सटे ना जम्फर, ऐसा आपको जम्फर लगाना, एक में दोनों सटे ना, ना इस साइड भी ना सटे ना इस साइड भी ना सटे, ना दोनों साइड ना सटना चाहिए, क्योंकि सटा तो समझ जाए आपका बूट काम नहीं करेंगे। अभी देखते हैं कि कोई भी पॉइंट सटा होंगे तो इसका बूट काम नहीं करेंगे, डिस्प्ले में कुछ नहीं आएंगे। यहाँ पर देखो ये मैंने दिया पावर, देखते हैं ये रेड लाइट आया है, टीवी स्क्रीन में भी आया, बाकी यहाँ पर कोई पैनल नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्डेंट नहीं आया, मतलब अभी भी हमारा कहीं पास ये सटा हुआ है इस कारण से है। ये देख सकते हो नहीं आया है, एक बार और देख लेते सही से, क्योंकि मेरे को लगता है अभी भी जो हमारा एक नंबर पॉइंट है उसमें ये सटी है, अभी तक से एक नंबर पॉइंट में सटा हुआ है। शॉर्ट किलर का जो शॉर्टिंग हटाने वाला इस्तेमाल करते हैं, अब निकला दोस्तों देखते अभी क्या है। ये भी हो सकता है, ये देख सकते हो अभी फ्रंट पैनल नहीं आया, ये फ्रंट पैनल ये क्यों नहीं आ रहा होगा अभी मैं आपको भी डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि ये फ्रंट पैनल को मैंने ही अभी कुछ टाइम पहले इसको जनरेट किया, तो हो सकता है मेरा डाटा बूट चेंज होगा। ये कॉमन दोस्तों डाटा बूट चेंज रहता है फिर भी ये दिक्कत आता है, और आपको मैं करके भी दिखा दूँगा, ये डाटा बूट हम चेंज करके देखते हैं, ये कभी कभी हो जाता है। ये मैंने अभी इसको लगाया तो डाटा मेरा चेक को मैं चेंज कर देता हूँ इधर की इधर, ये चेक को इधर ला देते हैं और ये डाटा को उधर ले जाते हैं। ये क्या मैंने जस्ट अभी चेक फ्रंट पैनल को जनरेट किया इसको दिखाने के लिए, अब देखते हैं नहीं मतलब हमारा डाटा बूट बिल्कुल सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते दिक्कत कहाँ से है उसके बाद बताते हैं। इसको जो था वैसी फिर से इसको लगा देते हैं, यहाँ से एक बार आप ट्राई करके भी देख लेना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी डाटा बोर्ड चेंज। एक बार सही से लगाते हैं, हो सकता है कि ये लगा नहीं होगा सही से, ये फोन तो नहीं हो रहा, देखता हूँ कि यहाँ से दिक्कत क्या चीज़ का है। वीडियो तो वो इसका मेरे यूट्यूब चैनल पे और पड़ा है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, बाकी इसको देखता हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ की दिक्कत आ रहा है, इस कारण से इसका डाटा बूट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों कॉमन प्रॉब्लम ऐसे तो आता नहीं है, इस साइड तो अलग ही है पूरा बिल्कुल, बाकी इसमें रेड लाइट ही आ रहा, आगे कुछ नहीं आ रहा। एक बार हमारा ये फ्रंट पैनल ओके है, नहीं हो सकता खराब तो है, हम ये हमारा एनके वाला कार्ड डाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट पैनल ओके है कि नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होता है हम यहाँ चेक करें कि हमारा फ्रंट पैनल तो हमारा ओके है, फ्रंट पैनल कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रंट पैनल में बूट आ रहा है, मतलब दिक्कत यहीं पास कहीं से है, सॉल्व करते उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या है। दोस्तों ये डन हो चुका है, ये दोस्तों ये एक नंबर शॉर्टिंग ही था, मतलब दो नंबर एक नंबर एक में शॉर्ट हो गया था, ये वजह से ना ये बूट काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको फिर बारीकी से एक बार देखा तो शॉर्ट नज़र आया, तो मैंने शॉर्ट रिमूव किया, उसके बाद ये काम मेटर काम कर गया। तो दोस्तों यहाँ से अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा बॉक्स है और ये हम लगाते इसमें पावर, तो हमने दिया है पावर,
और पावर देने के बाद दोस्तों ये हमारे पास ये बूट नज़र आया, यहाँ पर देख सकते हो बूट नज़र आया है, ये आप देख सकते हो बूट नज़र, कलर ब्लर कर रहा है कैमरा, ये देखो ऑन भी आया, चैनल भी आया। और दोस्तों ये देख सकते हो कहाँ पर आपको कैसे जम्पर लगाना है, एक बार फिर से देख लो ना, बाद में ना बोलना, ये इसी मॉडल में काम करेगा, दूसरे मॉडल के नहीं बोल सकता मैं। ये देखो ये इस साइड से आपको ये बड़ा कंपोनेंट ये वाला, इसको नींबू करना है और दो नंबर से आपको जम्पर लगाना है। ये देखो दो नंबर से ये वायर आया है ये वाला पतली, और दो नंबर आपको जम्पर लगाकर इस साइड लगाना, अपोजिट पार इस पार मत लगाना है, अपोजिट पार इस पार, तो 100% आपका जो बूट है काम करने लग जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों एक कामन हिज के रिलेटेड भी मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो बता, दोस्तों बहुत भाई बोलते हैं कि इसको R232 सॉफ्टवेयर कैसे करें, तो दोस्तों इसमें देखो ये R232 का RND TND दिया है, इसकी मदद से आप इसको घर में ही सॉफ्टवेयर कर सकते हो। इसका भी वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल पर लाऊँगा, इसको आप R232 से सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हो। अब दोस्तों इसको तो आपको तब बार बार आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्थिति देख सकते हो पूरा वायरिंग के मदद से ऑन हुआ है, तब इसको कितनी बार आप रिमूव करोगे, आप इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, इसको 12232 से इसको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा तो ही ये काम करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेंगे, मिलेंगे दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें।